तो इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी RORARO, तो दोस्तों 2013 का जो पेपर हुआ था उसमें सामान्य हिंदी का पोर्शन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, और जैसे क्वेश्चन पूछे गए सामान्य हिंदी के तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हम लोग हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले पोर्शन में आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में पहला क्वेश्चन बनता है यमुना का पर्यायवाची है, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कालिंदी। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची जो है वो कालिंदी है, जबकि आगे देख लेते हैं यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होता है, और भागीरथी जो होता है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। यमुना के दो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि सूर्य तनया भानुजा, सूर्य सुता और तरणित नुजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीत का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा तम। ओके, और व्याख्या देखते हैं, निर्दिष्ट विकल्पों में तम जो होता है वो अंधकार का पर्याय होता है, और जबकि निशीत जो होता है, निशीत के पर्याय जो होते हैं वो रात्रि, रजनी और निशा होती है। ओके, अतः विकल्प सी तम जो होता है निशीत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से चार ऑप्शन से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मार्तंड। और व्याख्या देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है ना कि प्रकाश। तेज एवं भास्कर हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? एक तो देखिए तरणी होता है, आदित्य होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, भास्कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है मिलिंद, बाकी के जो तीन हैं वो अरविंद के पर्यायवाची हैं। देख लेते हैं व्याख्या, अरविंद का जो आशय होता है वो कमल से होता है, और दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो इस प्रकार हैं, पंकज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है, सरसिज होता है, राजीव होता है, अंबोज होता है, सरोज होता है, नलिन होता है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी होता है समानार्थी, मतलब उसी के समान। व्याख्या देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का आशय होता है समानार्थी शब्द से होता है, वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्राची का जो पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन सी पूर्व होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है ना कि प्राचीन, प्रकृत और प्रज्ञा है। अगला है तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है उर्मी। इसकी व्याख्या देखते हैं, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी है ना कि पुष्कर, कूल और जलज। इनके अन्य शब्द पर्यायवाची शब्द जो होते हैं तरज, वो होते हैं लहर, हिलोर और वीची। नेक्स्ट, जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी कांतार। इसकी व्याख्या देखते हैं, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कांतार है ना कि प्रमोद, विश्रांति और दिव है। और जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है, अटवी होता है और कांतार होता है। नेक्स्ट, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी अमर्ष। व्याख्या देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है अमर्ष ना कि संताप, वैमनस्य और भीति। बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गाइस देखिए, बिजली शब्द का पर्यायवाची आपका होता है ऑप्शन ए बितुंडा। इसकी व्याख्या देखते हैं, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द बितुंडा नहीं है। इसमें पूछा गया बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है बितुंडा, बाकी के जैसे कि दामनी, चंचला और तड़ित, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए दिया हुआ है दामनी, चंचला और तड़ित,
ये बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं। और इनके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, जैसे कि चपला होता है, क्षण प्रवाह होता है, कारका होता है और सोदा मिनी होता है। अब देखिए विलोम शब्द से हम लोग करेंगे क्वेश्चन, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होता है, ऑप्शन बी परोक्ष, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द होता है परोक्ष, ना कि अप्रोच, और सुंदर और प्रत्यय ये तीन नहीं होते हैं जो कि तीन ऑप्शन में दिए गए हैं, और अप्रोच का जो अर्थ होता है वो प्रत्यक्ष है। अगला है सामान्य शब्द का विलोम क्या होता है, ऑप्शन डी विशिष्ट, इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है और जो श्रेष्ठ सर्वज्ञ और साधारण है इनके विलोम शब्द नहीं होते हैं ये, जबकि साधारण का असाधारण हो जाएगा, सर्वज्ञ का क्या होगा अज्ञ हो जाएगा, और श्रेष्ठ का हो जाएगा निम्न। नेक्स्ट अमर शब्द का विलोम क्या होता है, तो देखिए अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य, व्याख्या देखते हैं। अमर शब्द का विलोम जो है मर्त्य है, ना कि मृतक, मृत्यु और मरण। उपकार शब्द का विलोम क्या होता है, तो गाइस उपकार का होता है अपकार, इसकी व्याख्या देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम अपकार है, ना कि विकार है, ना कि अनुपकार है और तिरस्कार, ये तीन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है, तिमिर माने होता है अंधकार, इसका हो जाएगा आलोक। तिमिर शब्द का विलोम होगा आलोक, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन। अगला है उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो उक्त शब्द का होगा अनुपयुक्त, व्याख्या देखते हैं। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, अतः उत्तर ए सही हो जाएगा, जबकि उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा, तो निर्दय का हो जाएगा सदय, व्याख्या देखते हैं। निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय, ना कि सदय, और सभय और सहय। नेक्स्ट उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन बी निमीलन, व्याख्या देखते हैं। उन्मीलन का विलोम दिए गए विकल्पों में वी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि है निमीलन, और अन्य तीन जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। उत्कर्ष का शब्द का विलोम क्या होता है, ऑप्शन सी अपकर्ष, व्याख्या देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम दिए गए विकल्पों में विकल्प सी अपकर्ष है, सही है, और बाकी जो तीन हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं। अगला है आविभार्व शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन डी तिरोभाव, व्याख्या करते हैं। आरवी भाव का शब्द का जो होता है विलोम शब्द तिरोभाव होता है, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, और जबकि विभाव का विलोम होता है अनुभाव। अब गाइस वाक्य एवं वर्तनीय अशुद्धियाँ हैं, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी सही है, और अन्य तीनों विकल्पों में त्रुटिपूर्ण है, जैसे कि बी सी और डी, ये तीनों त्रुटिपूर्ण हैं। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही हो जाएगा, और अन्य जो हैं वो व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं, क्योंकि काल और दिन एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी दही खट्टा है, और व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में वी दही खट्टा है सही है, और व्याप्त हो कि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, निर्दिष्ट विकल्पों में डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य तीनों व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी यह आंखों देखी घटना, ये आपका सही हो जाएगा, और इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी यह आंखों देखी घटना है वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाएगा, और ध्यातव्य हो कि आंखों की उपयोगिता देखने में ही होती है, अतः इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग
उचित नहीं है। अब देखिए, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है तो ऑप्शन बी निश्चेष्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है निश्चेष्ट, जबकि शुद्ध जो रूप होता है वो निश्चेष्ट होता है। अब शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है, ऑप्शन ए हो जाएगा धोबिन। अब व्याख्या देखते हैं, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है धोबिन, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखिए, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से, ऑप्शन बी भागीरथी। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में भागीरथी जो है वो शुद्ध विकल्प है और अन्य तीनों में त्रुटिपूर्ण है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द आपको छांटना है, ये हो जाएगा बिरहिणी, तो ये हो जाएगा। और बाकी में दोस्तों जो जैसे कि ये और ये और ये, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो गाइस आपको बता देता हूँ, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है समुज्ज्वल और उज्ज्वल, मतलब आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, ये आपके अशुद्ध बर्तनी वाले हैं। जबकि अन्य विकल्प प्रज्ज्वलित और समुज्ज्वल शुद्ध बर्तनी वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए असाध्य। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है असाध्य। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए अजय। इसकी व्याख्या देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजय। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सदभा। नेक्स्ट है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अच्छा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, ऑप्शन डी वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ऑप्शन सी निर्मम। व्याख्या देखते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग होता है। अगला है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, ऑप्शन बी अक्षत। व्याख्या देखते हैं, तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत में ता जो होता है वो चावल के दाने का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जिसका जन्म छोटी जाति या कह सकते हैं निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, ऑप्शन सी अंत्यजय। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। अब हम लोग देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ऑप्शन डी रात। दिए गए विकल्पों में इंदु, दिनेश और मनोज ये तत्सम शब्द हैं, जबकि जो रात होती है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप जो होता है वो रात्रि होता है। अगला क्वेश्चन है, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा, ऑप्शन है तीता। देखिए, तिक्त शब्द का तद्भव तीता शब्द से हुआ है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ससुर का तत्सम शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा स्वसुर। ससुर का तत्सम जो हो जाएगा स्वसुर होता है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, ऑप्शन ए आधा। दिए गए विकल्पों में कूप, विद्या और व्योम तीनों विकल्प तत्सम के हैं, जबकि विकल्प ए जो है प्रयुक्त शब्द आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप जो होगा वो अर्ध होगा। अगला है, चूर्ण का तत्सम क्या होता है, ऑप्शन बी चूर्ण। अगला है, ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ऑप्शन डी ध्रष्ट होता है। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द का चयन करना है, ऑप्शन सी व्याघ हो जाएगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में विकल्प सी का व्याघ शब्द तत्सम शब्द है, जबकि अन्य तीन जो हैं जैसे कि शेर, बब्बर शेर
और बाग, ये सभी तद्भव शब्द हैं। अगला है माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, ऑप्शन है माता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तद्भव शब्द इसमें से छाटना है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मनई। अगला है तत्सम शब्द छाटना है, ऑप्शन ए क्लिष्ट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में विकल्प ए में दिया गया क्लिष्ट शब्द तत्सम शब्द है और वैसे इसका शुद्ध रूप जो होता है वो क्लिष्ट होता है और वर्तनीय अशुद्धि के कारण हो सकता है ऐसा हो गया है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प जैसे कि कठोर, कठिन, मजबूत, ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अब हम लोग विशेष एवं विशेषण के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऑप्शन ए आर्ष बनेगा। व्याख्या देखते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष बनेगा, अतः विकल्प ए सही है। अन्य विकल्प जैसे दिए हैं ऋषि कल्प, ऋषिवत और ऋषि तुल्य, ये सभी गलत हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ऑप्शन डी भय। व्याख्या देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक और भीरु शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं अपितु विशेष्य है, इसका का विशेषण भयानक होता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, ऑप्शन डी मेधावी। व्याख्या देखते हैं, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण दिए गए विकल्पों में मेधावी है, ना कि चतुर, कुशल और अध्ययनशील है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन सी गुणवाचक। और व्याख्या देखते हैं, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है, जबकि संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं, वही परिमाणवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित हैं। विशेषण शब्द का चयन करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा पांचवा। व्याख्या देखते हैं, दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है, जो कि निश्चित संख्या क्रम सूचक की अभिव्यक्ति करता है, जबकि अन्य शब्द सरपंच, प्रपंच और पहुंच इससे अतर शब्द हैं। विशेष शब्द छांटना है, ऑप्शन डी सीताराम। व्याख्या देखते हैं, विशेष पद सदैव संज्ञा होते हैं, सीताराम दोनों संज्ञा शब्द हैं, अतः आपका सीताराम सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों से गलत बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वसुलभ। व्याख्या देखते हैं, सर्वसुलभ दोनों ही विशेषण पद हैं, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण है। ध्यातव्य हो कि डॉक्टर बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म, भाव और रोटी संज्ञा है, अतः आपका आंसर हो जाएगा डी इस हिसाब से। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। अब देखिए इसका व्याख्या देखते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प वह अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, उक्त प्रश्न से पृथक आशय रखता है। अगला है निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा, ऑप्शन डी अग्नि। देखिए व्याख्या देखते हैं, ध्यातव्य हो कि अग्नि संज्ञा है जो विशेष पद है, इसका विशेषण आग्ने होता है। और गाइस आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन से पद हैं, ऑप्शन सी घर, आदमी और वस्त्र। देखिए व्याख्या देखते हैं, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद हैं घर, आदमी और वस्त्र, जबकि बड़ा, छोटा और नीला ये सभी विशेषण हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।